સુરત પોલીસ અને દિલ્હી પોલીસનું સંયુક્ત ઓપરેશન રાકેશ અસ્થાના મહિને કે કામ કા નતીજા હૈ કોઈ ભી એસા ઓપરેશન એક દિન કી ઇન્ફોર્મેશન પે નહીં હોતા હૈ ખાસ કરકે ઇસ તરહ કે એક્યુઝ્ડ કા જો કાફી દિનો સે ભાગતા ફિર રહા હૈ યે કન્ટિન્યુઅસ બેસિસ પે જબ તક એક દૂસરે કા સહયોગ નહીં હોગા ઇસ તરહ કા ઓપરેશન સક્સેસફુલ નહીં હોતા હૈ ઉન લોગો ને દિલ્હી પોલીસ ને અચ્છા કામ કિયા નો ડાઉટ અબાઉટ ઇટ ઉનકી ક્રાઇમ બ્રાન્ચ કી ટીમ ને જિસ તરહ સે ઓપરેટ કિયા હૈ बहुत प्रोफेशनल तरीके से और बहुत अच्छे तरीके से ऑपरेट किया है और फुल क्रेडिट गोज टू देम फॉर दिस ऑपरेशनल बेसिकली ह्यूमन इंटेलिजेंस और जो टेक्निकल ट्रैकिंग है उसका नतीजा है कॉम्बिनेशन ऑलवेज लर्न फ्रॉम द अदर्स द पॉजिटिव पॉइंट्स द बेस्ट प्रैक्टिसेस इन अदर पुलिस फोर्सेस वी कीप ऑन लर्निंग नो बडी इज़ परफेक्ट नो बडी इज़ स्लैक कोई पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब करने की कोशिश करता है तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सलमान मोबाइल नहीं यूज़ कर रहा था, उसके पास जो पहले मोबाइल था उसने बंद कर रखा था। नहीं है प्राइवेट गाड़ी में एयर बाय एयर जाने का तो सवाल नहीं है, क्योंकि चेक इन वगैरह कराना पड़ता है। लेकिन वो कन्फर्म्ड इन्फॉर्मेशन नहीं है, अभी तक हमारे वेरीफिकेशन में इसका कन्फर्मेशन नहीं हुआ है, लेकिन वेरीफिकेशन अभी जारी है। अब ये मिल गए हैं तो इनकी पूछताछ में ये सवाल भी कोशिश करेंगे इसका जवाब मिले। हमारा एक टीम एक क्राइम ब्रांच का एक पूरा दस्ता वहाँ पे है पिछले 1.5 महीने से। अभी हमने पकड़े जाने के बाद से यहाँ से DCP को कल रात में रवाना किया है अर्ली मॉर्निंग, वो भी अभी वहाँ पे हैं, वो लोग उनको लेके वहाँ से आएंगे। देखिए ये केस हमारे लिए प्रेस्टिजियस केस है, नो डाउट अबाउट इट। तो जो भी इसमें आरोपी हैं उनको पकड़ना हमारे लिए प्राथमिकता है। केवल आरोपी को पकड़ना ही नहीं बल्कि केस के इन्वेस्टिगेशन करके चार्जशीट करना और चार्जशीट के बाद प्रोसिक्यूशन करा के कन्विक्शन सिक्योर करना, ये पुलिस की प्राथमिकता होती है। आरोपी को पकड़ना एक इन्वेस्टिगेशन का अंग है, सारी चीज़ें हैं उसमें, इन्वेस्टिगेशन ढंग से हो, एविडेंसेस कलेक्ट किए जाएँ जितने भी पॉसिबल एविडेंसेस हैं। ये केस चूँकि पुराना है इसलिए एविडेंस इस तरह से कलेक्ट करने हैं कि केस मजबूत हो और चार्जशीट हो, उसके बाद कन्विक्शन हो, ये हम लोगों की कोशिश। पूरी उम्मीद है कि जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, एविडेंस कलेक्शन हो रहा है, केस काफ़ी मजबूत है और कोर्ट में भी हम सक्सेसफुल रहेंगे। जो डॉक्यूमेंट मिले हैं उनकी स्क्रूटनी हम लोग कर रहे हैं, उसमें अगर कुछ इस तरह का गुनाह दिखाई देगा तो डेफिनेटली उसमें केसेस रजिस्टर होंगे, या अगर वो पुलिस ज्यूरिसडिक्शन में नहीं आता है तो जो भी रेस्पेक्टिव एजेंसीज हैं जैसे इनकम टैक्स है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है, DRI है, उनको हम लोग हैंडओवर करेंगे। अभी जमुना को पकड़ना बाकी है, मोनिका आरोपी नहीं है, अभी FIR नेम्ड अक्यूज नहीं है। जिन लोगों ने भागने में छुपाने में मदद की है कायदे के हिसाब से उन सभी लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। गाड़ी में था, इको स्पोर्ट गाड़ी है उसमें थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑनलाइन, सूरत।